नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की ये वीडियो जो है वो आईबीएस शिमला का पॉडकास्ट नंबर 1 जो है वो होने वाला है, और ये पॉडकास्ट जो है वो हमारी एकेडमी के ही जो टीचर हैं, एजुकेटर हैं, ट्यूटर हैं, राहुल सर जो कि रीजनिंग की क्लासेस लेते हैं, उनके साथ होने वाला है। रिसेंटली में जो है वो राहुल सर ने अभी आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई किया है, और एक बहुत लंबे एक्सपीरियंस के साथ हमारे पास जो है वो आते हैं। पिछले अगर 1-1.5 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट हर एक जो बैंकिंग एग्जाम है उनका इन्होंने मेन्स भी जो है वो लिखा है। तो राहुल सर से आज जानेंगे कि एक न्यू एस्पिरेंट जो कि एक गाइडेंस चाहता है, एक मेंटरशिप चाहता है, वो उसे कैसे मिल सकती है, और हमारे पास कौन से एरियाज जो है वो फोकस करने वाले बैंकिंग एग्जाम में होते हैं। अब ये पॉडकास्ट क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आरआरबी का अगर हम देखें तो पीओ का मेंस जो है वो अभी होना है, आईबीपीएस पीओ जो है वो हमारे पास नेक्स्ट मंथ होना है, उसके बाद भी अगर हम देखें तो एसबीआई का शॉर्ट नोटिस आया है दिसंबर का जो लास्ट वीक होगा उसमें क्लर्क और पीओ दोनों का प्रीलिम्स होना है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 12,000 प्लस वैकेंसीज आएगी, क्योंकि एसबीआई ने जो एक न्यू फॉर्मूला बनाया है कि एक ब्रांच में 2 क्लर्क रखेंगे, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आएगी। तो इनके एक्सपीरियंस से सीखने को बहुत कुछ है कि कौन से एरियाज को टारगेट करना है, कैसे करना है। आपका बैकग्राउंड अगर मैथमेटिक्स का नहीं है तो क्या उसके बावजूद भी आप कुछ करके क्लियर कर सकते हैं, क्या और राज्यों से भरा जा सकता है, नहीं भरा जा सकता, अगर भरते हैं तो क्या पेपर देने भी वहां जाना होगा या नहीं जाना होगा, ये तमाम जो आपके दिमाग में ऊहापोह की स्थिति है उनको हम जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करेंगे राहुल सर के साथ। तो अगर मैं आपको पहले राहुल सर की जो हमारे पास आरआरबी जो इनका पीओ हुआ है उसकी मैं आपके साथ कट ऑफ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ये इनका जो एडमिट कार्ड है जो इनकी अभी इन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ये आप देख सकते हैं आईबीपीएस के जो साइट से हमने जो है वो निकाला है। अब जो है वो सवालों की शुरुआत मैं राहुल सर से करूंगा, और सबसे पहला सवाल जो राहुल सर से होगा कि राहुल सर की जैसे आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स आने वाला है, तो सर कोई 3 टिप्स जो आप आईबीपीएस पीओ जो अभी एग्जाम होने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उनको देना चाहते हैं प्लीज। सर जो आईबीपीएस पीओ एग्जाम होना है अक्टूबर के मंथ में, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी है वो है कि ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट जो है इस टाइम पे लगाएं, डेली आप जो है टेस्ट आईबीपीएस पीओ के जो है टेस्ट आप डेली बेसिस पे दीजिए। उसके साथ साथ जो आपकी स्पीड मैथ है, स्पीड मैथ पे आप अच्छा काम करिए, और रीजनिंग के अंदर जो पजल है, पजल ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, और इंग्लिश के अंदर हो सके तो सेक्शनल मॉक आप डेली बेसिस पे दीजिए, और अच्छे से उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एस्पिरेंट क्या करता है कि टेस्ट देते हैं लेकिन टेस्ट के बाद जो है प्रॉपर उसका एनालिसिस टेस्ट का जो है कैंडिडेट नहीं करता है, जहां से जो है हमें अपनी जो गलतियां है, अपनी कमियां है टेस्ट के अंदर, वो चीज़ें हमें पता नहीं चलती है। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है कि आपको जो है टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से टेस्ट एनालिसिस करना है, और जो चीज़ें आपकी जो है अच्छे से टाइम के अंदर नहीं बन पा रही है उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करना है प्रीलिम के एग्जाम से पहले। अच्छा, एक और जो सवाल रहता है कि जैसे पीओ का एग्जाम है तो कितनी का कट ऑफ जा सकती है, और जैसे आपने बताना है कि लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ थी, जिसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का सेफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, उतना आप थोड़ा सा बता सकेंगे। सर देखिए, वैसे तो जो कट ऑफ है, कट ऑफ डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है हमारे एग्जाम का जो लेवल है वो लेवल क्या रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर हम बात करें लास्ट 3-4 साल के अंदर कट ऑफ का क्या जो है रेंज रहा है, क्या कट ऑफ का 3-4 साल के अंदर सिनेरियो रहा है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 साल के अंदर जो कट ऑफ है 50 से 60 के बीच में रहता है, ठीक है। तो इस ये आप अनरिजर्व की बात करें कि सर अनरिजर्व की जो कट ऑफ मैं बात करता हूँ वो सारी अनरिजर्व की बात करता हूँ, तो अनरिजर्व का 50 से 60 के बीच में रहता है, तो इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50 से 60 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए। तो 50 से 60 के बीच में जो कट ऑफ जाता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि क्वांट आपने 20 क्वेश्चन के अराउंड रचना है, रीजनिंग आप 25 के आसपास रचते हैं तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है, और इंग्लिश भी आप 20 से 25 के बीच में अटेम्प्टेशन कर सकते हैं, तो आपका अटेम्प्टेशन 65-70 के अराउंड जो है अटेम्प्टेशन हो सकता है। तो नया कैंडिडेट
कैंडिडेट जो है, नया कैंडिडेट 65-70 अटेम्प्ट इजीली जो है कर सकता है। ज्यादा फोकस हमें अटेम्प्टेशन से ज्यादा फोकस अपनी एक्यूरेसी पे करना है। एक्यूरेसी के साथ हमने जो भी करना है वो एक्यूरेसी के साथ करना है। हम 60 करें 70 करें एक्यूरेसी के साथ करें तो प्रीलिम निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये था प्रीलिम्स की, उसके लिए क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इसके अलावा जो सर सवाल होता है कि अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाता है, जैसे प्रीलिम्स के लिए बच्चा जो है क्वांट्स रीजनिंग क्वांट्स रीजनिंग क्वांट्स रीजनिंग ये बार बार करता रहता है, प्रैक्टिस करता है, बहुत कुछ इसके लिए करता है, क्या मेंस में भी, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में काफी मेंस दिए हैं, तो क्या मेंस में भी क्वांट्स और रीजनिंग ही डिसाइडिंग फैक्टर है या जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश या कुछ और चीज उसमें डिसाइडिंग होती है? सर देखिए, मेंस का जो एग्जामिनेशन है, मेंस के अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो हमारा इंग्लिश के अंदर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी ऐड हो जाता है आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के अंदर। दूसरी चीज़, वहाँ पे करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तो करंट अफेयर, आप सभी को पता है कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक अपने आप में है, तो करंट अफेयर के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो करंट अफेयर पिछले 5-6 महीने का करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसकी अच्छी प्रैक्टिस करना, उसे रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस के अंदर जो डिसाइडिंग फैक्टर प्ले करता है वो आपका इंग्लिश और जीएस जो है उस करंट अफेयर उसके अंदर करता है। मैथ्स और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। सिलेक्शन के लिए आपको इंग्लिश और करंट अफेयर को भी बहुत अच्छे से उसमें टाइम देना होगा, और अच्छे से आपको करंट अफेयर को रिवाइज करना होगा, स्टडी करना होगा पिछले 5-6 मंथ का। और मैथ्स और रीजनिंग के अंदर ज़्यादा अटेम्प्टेशन जो है मेंस के अंदर नहीं हो पाते हैं, जो बेसिकली पीओ के मेंस होते हैं। क्लेरिकल के मेंस के अंदर फिर भी आप क्वांट एंड रीजनिंग के अंदर अटेम्प्टेशन कर सकते हो, लेकिन पीओ के मेंस के अंदर क्वांट और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा अटेम्प्टेशन करना बहुत ज़्यादा टफ है, फिजिबल नहीं है। इसलिए ज़्यादा फोकस जो है कैंडिडेट को इंग्लिश और करंट अफेयर पर करना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन से पहले। और मैथ्स और रीजनिंग, जैसे अभी मेंस एग्जाम है 29 को, तो कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज जो है करे, करंट अफेयर को रिविजन पर ज़्यादा फोकस करे, और मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शनल जो टेस्ट है वो लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ब्रीफ करूँ तो प्रीलिम्स में क्वांट्स एंड रीजनिंग का रोल ज़्यादा है और मेंस खासकर पीयू में थोड़ा कम है, क्योंकि अटेम्प्टेशन कम होते हैं, क्योंकि काफी टफर लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं, और अगर वो बनते भी हैं तो समय बहुत लगता है। जैसे अगर आप पजल बना भी रहे हैं तो बहुत समय लग जाएगा, उतने में आप जीएस वाला और इंग्लिश वाला पोर्शन काफी ज्यादा कवर कर सकते हैं, तो डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए हो जाता है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि जो एक एस्पिरेंट के मन में होती है वो होती है गाइडेंस। तो आपको लगता है कि गाइडेंस इस एग्जाम में क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश सेक्शन में चाहिए या नहीं चाहिए, आपका इस पे क्या मानना है? दिट इज गाइडेंस जो है कोई भी कैंडिडेट है जो स्टार्टिंग अपनी तैयारियों की कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो शुरुआत में गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। कौन सी चीज़ आपको करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि कैंडिडेट क्या होता है, गलत चीज़ें जो है, गलत टॉपिक्स या गलत तरीके से अपनी तैयारियों को शुरू करता है। प्रॉपर प्रोसेस में, प्रॉपर वे में तैयारी को कैसे शुरू करना है, इसके लिए गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आप जल्दी सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। सिलेक्शन आपका हो जाएगा बिना गाइडेंस के भी, बट फिर क्या है, आपका टाइम जो है उसके अंदर ज़्यादा लग जाएगा। जो चीज़ आप 1 साल में कर सकते हो, उस चीज़ में आपके 2-3 साल या 4 साल लग जाते हैं। तभी कैंडिडेट क्या है, बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा है जो बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उसके प्रीलिम के अंदर और मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, उन टॉपिक को नहीं कर पाते, क्योंकि उस चीज़ की क्लियर नॉलेज जो है कैंडिडेट को नहीं होती है। तो गाइडेंस लेना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, एक जो और आ रहा था मेरे दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जैसे हम सेंटर पे भी टेस्ट करवाते हैं, लेवल 2 क्लासेस हमारे पास होती है, मैराथन क्लासेस हमारे पास होती है। लेवल 2 बेसिकली क्लासेस जो है वो सिलेक्शन ओरिएंटेड क्लासेस है, जहाँ पर टेस्ट आपको जो है वो एग्जाम लाइक एनवायरमेंट में कराया जाता है। PYQ डिस्कशन होते हैं, टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन करने होते हैं, मैराथन में भी आप रिविजन भी करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं। तो कई बार बच्चा सोचता है कि यार मैं इसको घर में ही कर लेता हूँ, टेस्ट में ऑनलाइन घर में कर लूंगा, सेंटर आने की क्या जरूरत है।
तो पर लेकिन मुझे कई बार लगता है कि जब आप सेंटर आते हैं, 1 से 2 वो लेवल 2 की क्लासेस लगाते हैं, तो आप सभी लोगों के बीच में होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होता है, अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिलता है, और जब घर में बैठते हैं तो एक आपके पास एक बहुत कंफर्टेबल, एट होम का मतलब ही कंफर्टेबल होता है। तो अगर नहीं भी टाइम में हो रहा है तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब मैं क्लास में आता हूँ तो एक टेंशन होती है, मुझे पता लगता है कि मेरे इस वाला साथ में जो बैठा है ये भी दोस्त टाइम में आंसर कर रहा है, ये वाला दोस्त भी टाइम में कर रहा है, लेकिन घर में वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता है। क्या इसका भी फर्क पड़ता है, मैं आपसे पूछा था। जी सर, जितना ज़्यादा आप कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जो है अपनी स्टडीज़ को करेंगे, उतना ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के बीच में चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, वहाँ पे आपको पता चलता है कि दूसरा कैंडिडेट किस अप्रोच के साथ और किस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीजें मैंने पर्सनल लेवल 2 क्लासेस में भी देखी है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो कि जिन्हें 2-3 मंथ हो गए हैं सेंटर में और वो लेवल 2 क्लासेस में आ रहे हैं, तो जब मैं लेवल 2 की क्लासेस मैंने शुरुआत हमने सेंटर में शुरुआत करी थी तो वो काफी ज्यादा समय लगा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उस कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में वो एवरी सेकेंड डे जो है वो जा रहे हैं, उनका टाइम भी अच्छा हो रहा है और उनकी एक्यूरेसी भी जो है वो अच्छी हो रही है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो पॉडकास्ट का है सर, कि SBI क्लर्क और SBI PO 3 महीने बाद होना है, तो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप पीओ और क्लर्क के माध्यम से देना चाहते हैं, साथ में जो आपने आंसर करना है कि सर गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, उनकी कट ऑफ कम जाती है, तो बहुत सारे एस्पिरेंट के दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं वहां से अप्लाई करूं तो क्या SBI जैसे मैं भर रहा हूं क्लर्क के अप्रूव, तो क्या एग्जाम देने भी मुझे गुजरात जाना पड़ेगा, या मैं एग्जाम यहां दूंगा सिलेक्शन गुजरात में हो जाए क्योंकि कट ऑफ कम जाती है तो मुझे थोड़ी नौकरी जल्दी मिल जाएगी, क्या कहना है इसके बारे में। सो देखिए, SBI क्लरिकल और PO का एग्जामिनेशन बेसिकली दिसंबर के अंदर जो है शेड्यूल्ड है, तो दिसंबर में एग्जामिनेशन होना है, तो अगर कैंडिडेट अभी तैयारियां शुरू कर रहा है तो उसके पास अभी 3-4 महीने का टाइम है, 3-4 महीने के अंदर वो अपनी स्टडीज को जो है कंप्लीट कर सकता है। तो अगर कैंडिडेट अभी चाहता है कि वो SBI क्लर्क के अंदर अपियर करे और SBI क्लर्क के अंदर सिलेक्शन ले, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज़, उसकी तैयारी कैसे शुरू करेगा कैंडिडेट, क्योंकि तैयारियों में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें 1-2 साल लग जाता है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप तैयारी अपनी शुरू करोगे तो 3-4 मंथ के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रीलिम के अंदर अच्छा स्कोर जो है कर लोगे। उसके साथ साथ जो आपका गुजरात और तेलंगाना कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे कट ऑफ कम रहता है, ठीक है, तो स्टेट्स हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स को हम अगर बांटे तो लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ रेंज में हम जो है स्टेट्स को बांटेंगे, तो नॉर्थ के जो स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, इन स्टेट्स के अंदर कट ऑफ जो है हाई जाता है, और जो साउथ के स्टेट्स है या फिर कोस्टल एरिया के नजदीक जो स्टेट्स है वहां पे कट ऑफ लो जाता है, क्योंकि वहां पे कैंडिडेट वहां पे जो जॉब के सोर्सेज है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है उन एरियाज के अंदर, तो इसलिए कैंडिडेट ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक की ओर जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करता है, तो इन स्टेट्स के अंदर कट ऑफ कम जाता है और वहां से कैंडिडेट का सिलेक्शन लेना इजी हो जाता है। अगर कैंडिडेट फर्स्ट टाइम अपियर कर रहा है SBI के अंदर, तो SBI के अंदर अगर इन स्टेट में फिल करेगा तो इन स्टेट्स के अंदर कट ऑफ हिमाचल के कंपैरिजन में या किसी और हाई रेंज कट ऑफ स्टेट्स के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा कम कट ऑफ वहां पर जाता है, तो कम कट ऑफ लास्ट ईयर का भी अगर हम देखें तो हिमाचल का 64 कट ऑफ था और गुजरात SBI क्लर्क जी SBI क्लर्क का 64, हिमाचल का 51.50, गुजरात का कट ऑफ था, तो और ये भी मैं बता दूं, ये 64 और 51 जो है वो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का है, आप कैटेगरी में आते हो तो ऑलरेडी उस हमारा जो है होता जाएगा जी। तो वही चीज़ है कि अगर आपने सिलेक्शन लेना है, आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर तैयारी के साथ करेंगे और इन स्टेट से जब आप बसते हैं तो वहां पे आपको एक एज जो है रहता ही रहता है, तो ये चीज़। अच्छा, तो नहीं, सवाल ये भी था कि एग्जाम जैसे SBI क्लर्क का, कि वो गुजरात ही जाना पड़ेगा देने या हिमाचल में दूं और सिलेक्शन। सर, SBI एकमात्र ऐसा एग्जाम होता है बैंकिंग के अंदर जिसके अंदर आपको ये चीज़ जो है मिलती है कि आप किसी भी स्टेट से एग्जाम फिल करिए, बट आपका एग्जाम आपके स्टेट में ही होगा, जहाँ आपने एग्जाम देना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट में आप अपना एग्जाम दे सकते हो, जॉब फिर आपका उस स्टेट में रहेगा जहाँ के लिए आप फिल करते हो। तो जॉब परमानेंटली वहाँ पर रहेगा या कुछ समय बाद अगर वो अपने होम स्टेट आना चाहे हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल। सर देखिए, प्रोवेशन बेसिकली 2 साल का प्रोवेशन रहता है, तो उसके बाद एलिजिबल आप हो जाते हो ट्रांसफर के लिए, तो लगभग 3-4 साल के अंदर आप ट्रांसफर जो है ले सकते हैं होम स्टेट स्टेट। तो मतलब एक जो चीज आपको मिलती है, अगर आप जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं और चाहते हैं किसी बार में कट ऑफ का बहुत ज्यादा आपको जो है इशू ना हो,
तो गुजरात तेलंगाना दो राज्य आपको जो है वो बता दिए गए हैं जिसमें कट ऑफ कम होता है। आई होप हमने जो है इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जो पहला पॉडकास्ट था, बहुत सारी इंप्रूवमेंट हम इसमें करेंगे आपको बातचीत के माध्यम से, जैसे लिखा भी था बातचीत भी और सीख भी। तो एक नॉर्मल बातचीत मेरी और राहुल सर की थी और आई थिंक आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। कोई आप सजेशन हमें देना चाहते हैं कि पॉडकास्ट ऐसे बनाइए, ऐसा करिए, तो आप कमेंट में मोस्ट वेलकम आप है, आप हमें कर सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना होगा, सीखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।